नारद जी जब भगवान श्री कृष्ण से आदेश प्राप्त कर लिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त हो गया कि सर्वश्रेष्ठ भक्त ब्रज की गोपियाँ हैं, उनमें से श्रीमती राधारानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वही बात जाकर के प्रयाग में जो ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे उनको जाके बतलाया। ऋषियों ने बहुत प्रसन्न हुई और सब उन्होंने जो भी कुछ उन लोग कर रहे थे तपस्या, उन सब को छोड़ करके श्री श्री राधा कृष्ण के नित्य सेवा में, अर्थात उनके नाम गुणादि में निमग्न हो गया। परीक्षित अपने माता को कथा सुना रहा है, ध्यान रखना। उत्तरा जी के मन में एक प्रश्न है कि हे पुत्र, क्या नारायण की उपासना करने वाला भी वही वैकुंठ लोक में जाएगा, या वृंदावन के जो तपस्या करने वाला राधा कृष्ण की उपासना करने वाला भी वही स्थान पर जाएगा, क्या उनके लिए कोई श्रेष्ठ स्थान और नहीं है? क्योंकि उत्तरा माता को पता नहीं था कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ गोलोक वृंदावन धाम करके कोई एक दिव्य स्थान है। माता के प्रश्न से आनंदित होकर के परीक्षित महाराज ने एक प्राचीन कथा माता को सुनाया जो पौराणिक कथा है। हालांकि परीक्षित महाराज तत्व ज्ञान के द्वारा अपने माता को ज्ञान करा सकते थे, लेकिन उन्होंने और रसिक तरीका से प्राचीन कथा के माध्यम से इस कथा को माता को बताना चाहे। कथा इस प्रकार है कि प्राग ज्योतिषपुर नाम के देश पर, प्राग ज्योतिषपुर में अर्थात वर्तमान के आसाम में, एक निर्धन और शास्त्र ज्ञानहीन ब्राह्मण निवास करते थे। नारद जी ने जब समझ गया कि ब्रज के गोपियाँ ही सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के कृपा भाजन है, पात्र है, इनमें से श्रीमती राधारानी ही सर्वश्रेष्ठ है, यही बात प्रयाग में आकर के समस्त ऋषियों को पूछने पर बता दिया है। ऋषियों ने जो भी कर्मकांड ज्ञान कांड में लगे हुए थे उन सब कुछ छोड़ करके ब्रज के राधा कृष्ण की युगल आराधना में अपने जीवन को तल्लीन कर दिया है। परीक्षित महाराज अपने माता को कथा सुना रहा है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो परीक्षित महाराज की माता उत्तरा के मन में एक प्रश्न आया, अपने पुत्र को पूछा, हे पुत्र, क्या वैकुंठ नाथ की आराधना और श्री कृष्ण की आराधना करने वाले एक ही स्थान पर जाते हैं, कि उनके लिए अलग कोई स्थान है जो वृंदावन की उपासना करते हैं? क्योंकि माता को ये नहीं ज्ञात था कि गोलोक वृंदावन के एक स्थान है जहाँ पे श्री राधा कृष्ण के उपासक वहाँ जाते हैं, वो दिव्य धाम वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ है। माता के प्रश्नों से आनंदित होकर के परीक्षित महाराज माता को प्रणाम किया और कहने लगे। हालांकि परीक्षित महाराज तत्व ज्ञान के द्वारा अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से जो भी तत्व ज्ञान लाभ किया उसके द्वारा माता को ज्ञान करा सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज प्राचीन पौराणिक कथा के द्वारा माता को एक रसिक रसाल तरीका से इस कथा को प्रस्तुत किया है। कथा इस प्रकार है कि प्राग ज्योतिषपुर अर्थात वर्तमान की आसाम में एक निर्धन और शास्त्र ज्ञानहीन ब्राह्मण निवास करते थे। धन कामना की इच्छा से माता उसने माता कामाख्या की उपासना की। कामाख्या देवी रात को सपने में उसको आया और उनको एक श्री कृष्ण अर्थात ब्रज के किशोर मूर्ति के जो गोपाल मंत्र द्वादश अक्षर, दस अक्षर गोपाल मंत्र, वो माता उनको दान किया और उसको कैसा जपना, उसकी विधि किया है, सब कुछ मुद्रा सिखा दिया, माता स्वप्न में सिखाया और माता तिरोहित हो गया। स्वप्न भंग होने से वो माता के आदेश को गौरव बुद्धि से ग्रहण किया और निष्ठापूर्वक इस मंत्र को जपने लगे। कुछ दिन में ही जपते जपते उसके मन में पूर्ण वैराग्य का उदय हो गया और विषय वासना का इच्छा खत्म हो चुका है। वो गृह त्याग करके तीर्थ भ्रमण में निकल पड़ा। तीर्थ भ्रमण करते करते आसाम से बंगाल होते हुए काशी में प्रवेश किया। काशी में बहुत सारे कर्मकांड उनसे मिले, कर्मकांडों के उपदेश ग्रहण किया, लेकिन उस उपदेश से उनके मन प्रसन्न नहीं हुई, इसीलिए वो स्वीकार नहीं किया है। जब
सन्यासियों को देखा, जो निराकार निर्विशेष की उपासना करने वाले जो ज्ञानी सन्यासियों को जब दर्शन किया, सन्यासियों ने उन्होंने उनको साध्य साधन तत्व यही बतलाया कि जीवन के उद्देश्य मुक्ति लाभ करना, सन्यास ग्रहण करो बालक, सन्यास ग्रहण करके तुम निराकार ब्रह्म की उपासना करके मुक्ति लाभ करो। उनके मन में भी आ गया, चलो हम सन्यास ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ ही उनके जैसा तपस्या करने लगेंगे और माता के दिए हुए मंत्र को एक बार जप कर लेंगे, क्योंकि माता के प्रति उनको बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा है। तो फिर से रात को एकांत में माता के दिए हुए, माता के द्वारा दिया हुआ मंत्र को जप किया, जप करके सो गया। उस रात को महादेव जी उनके सपने में आया और कहा कि हे मूर्ख, तू सन्यास नहीं लेना, यहाँ से सीधा चले जा मथुरा मंडल वृंदावन में, वहाँ तेरा सर्व सिद्धि होगा। स्वप्न भंग हो गया, महादेव स्वप्न में आया, सब कुछ उनके याद है। महादेव की आज्ञा प्राप्त करके, विश्वनाथ जी का दर्शन करके वो चल पड़ा प्रयाग, क्योंकि उसी रास्ते में आना पड़ता है। प्रयाग आया, प्रयाग में बहुत सारे साधु संतों से मिला, उनको ज्ञान नहीं था ये लोग क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे, तो पूछा फिर से कि आप लोग क्या कर रहे हैं, साध्य साधन तत्व तो क्या है। वो लोग विष्णु नारायण राम आदि की पूजा में लगे हुए थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था। तो पूछने पर ऋषियों ने कहा कि तुमको इतना भी ज्ञान नहीं, हम लोग भगवान के नाम कर रहे हैं, जो भी है। बेचारा उस रात को प्रयाग में रहे और प्रयाग में जब रात को सपने में गोपाल जी का दर्शन हो, अर्थात किशोर मूर्ति भगवान श्री सुंदर श्याम सुंदर का दर्शन हुआ, वो अपने इष्टदेव का दर्शन करके उनके तन मन संपूर्ण प्रफुल्ल हो गया, आनंदित हो गया। और जब उन्होंने प्रयाग में ही बिंदु माधव है माधव जी का जब दर्शन किया, तब देखा कि सपने में जो मैं अपने गोपाल जी को दर्शन किया, अपने इष्टदेव का दर्शन किया, इन इष्टदेव के साथ ये माधव जी का थोड़ा बहुत मिलजुल है, क्योंकि वो भी बांसुरी धारण कर रहा है। विग्रह तो विग्रह ही होता है, विग्रह में इतना जल्दी रूप प्रकट नहीं होता है, शुद्ध होना पड़ता है, लेकिन सपने में जो उसने देखा वो कुछ और ही दिव्य देखा। उसी रात को भी वो माता के द्वारा दिया हुआ मंत्र को जपते जपते उनके अविरल आंसू आने शुरू कर दिया, उनके अंदर सात्विक विकार शुरू हुआ। सात्विक विकार के कारण उन्होंने उस रात को ठीक से जप नहीं कर पाया, माता का दिया हुआ जो गोपाल मंत्र है वो ठीक से मेडिटेशन नहीं कर पाया। बहुत चित्त में दुख था कि मैं आज माता के द्वारा दिया हुआ मंत्र को ठीक से जप नहीं पाया, इसीलिए उस रात को उसने कुछ नहीं खाया और ऐसा ही बिना खाए पिए रात को सो गया। भगवान श्री गोपाल जी फिर से उनको उपदेश किया कि बस चिंता मत कर, तो महादेव जी तो तुझे जो उपदेश दिया है वृंदावन जाने का, तू वृंदावन चले जा, वहाँ ही मेरा दिव्य लीला का दर्शन कर सकते हैं, सब कुछ तेरा वहाँ ही उपलब्धि हो जाएगा, वहाँ यहाँ से तू तत्काल चले जा। उस ब्राह्मण ने भगवान के उपदेश से जल्दी से यहाँ इस क्षेत्र से सुबह सुबह निकल गया, कुछ दिन में चलते चलते मथुरा मंडल में आ पहुँचे, मथुरा में विश्राम घाट में स्नान करके और वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन में केसी घाट में जैसा ही आया, केसी घाट में आके जब थोड़ा बहुत बैठे हुए थे तो वहाँ कुंज से रोने का, बहुत जोर जोर से रोने का आवाज़ आ रहा है कि कोई रो रहा है। घना जंगल था, उसमें प्रवेश किया, एक सुंदर सा श्याम सलोना जो किशोर वयस्क एक लड़का ग्वाल बाल की वेश में बहुत जोर जोर से रो रहा है। रोते रोते वो मूर्छित हो गया, वो वहाँ ही बैठे हैं ब्राह्मण। थोड़ी देर में उनको ज्ञान आया, तब पूछा कि आप कौन हैं, आप इस जंगल में क्यों रो रहे हैं। जब क्रंदन के ध्वनि जहाँ से आ रहा है वहाँ प्रवेश किया, एक भक्त को देखा जो किशोर वयस्क है, 14-16 साल की, वो रो रहा है, बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं।
जब ज्ञान हुआ तो ब्राह्मण ने आप पहले तो अपना परिचय दिया कि मैं फलाना फलाना जगह का ब्राह्मण हूँ, मैं वैसा वैसा आया हूँ, गोपाल जी का मंत्र मुझे प्राप्त हुई, संपूर्ण कथा सुनाया।